भिवंडी शहर में विद्या प्रदान करने वाली संस्था तेलुगु समाज शिक्षण संस्था। पिछले 50 सालों से यह संस्था गरीब विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर रही है। एक छोटा सा पौधा आज वटवृक्ष हो गया है। तेलुगु समाज शिक्षण संस्था के जब स्कूलों की बुनियाद रखी तो एक स्कूल से चालू की थी, वहाँ थी कनेरी की पीटी हाई स्कूल। पद्मशाली तेलुगु हाई स्कूल के नाम से शुरुआत करते हुए आज भिवंडी शहर में 5 स्कूल हो गए। उनमें से आज कामतगर पेनेगांव परिसर में चल रहा पीएम हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज पद्मशाली हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में 50वां वर्ष पूरे हुए गोल्डन जुबली ईयर के उपलक्ष्य में स्कूल में 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा है। वह है वॉल पेंटिंग, रंगोली कॉम्पिटिशन, क्यूज कॉम्पिटिशन, एलोकेशन कॉम्पिटिशन। ऐसे भव्य दिव्य कार्यक्रम तेलुगु समाज शिक्षण संस्था पीएम हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में किए गए हैं। तेलुगु समाज शिक्षण संस्था के अध्यक्ष भूमेश कल्याणप, स्कूल कमेटी के चेयरमैन निष्काम भैरी जी ने कार्यक्रमों के लिए विद्यार्थियों को बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है। इस वॉल पेंटिंग व रंगोली कंपटीशन में भिवंडी शहर के 35 स्कूल के विद्यार्थियों ने सहभागी लिए है। उसी तरह रंगोली कंपटीशन में 35 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने अच्छी अच्छी रंगोलियाँ बनाई है। तेलुगु समाज शिक्षण संस्था के चीफ ट्रस्टी रामस्वामी भैरी जी ने इस कार्यक्रम के लिए दीप प्रज्वलन करके प्रारंभ किए है। इस भव्य दिव्य के रूप में चल रहे 3 दिवसीय कार्यक्रम के लिए स्कूल के प्रांगण में एक बड़ा बैलून आकाश में उड़ा है। इस अवसर पर तेलुगु समाज शिक्षण संस्था के ट्रस्टी कृष्णा गाजंगी, कुंदन पुरुषोत्तम, गंडूरी लक्ष्मण नारायण, रविंद्र सामल, शंकर मंचाला व आदि लोग उपस्थित थे कार्यक्रम में। उसी तरह तेलुगु समाज शिक्षण संस्था के पीएम स्कूल के मुख्य अध्यापिका रूपा जाधव, विकास स्कूल के मुख्य अध्यापक राहुल सर्वा आदि शिक्षकन मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। हमारे तेलुगु समाज शिक्षण संस्था यानि पीएम विकास स्कूल के बच्चे लोग यहाँ पर पूरा यानी सभी भिवंडी के स्कूल के सभी सब लोग के लेटर देके उनको बुलाया गया है। वह अपने कार्यक्रम यानी लोगों को मालूम पड़े स्कूल में क्या है, यहाँ बच्चे लोग कितने आगे बढ़ रहे हैं, कितने लोग बच्चे अपने एक्टिवेट हो रहे हैं, उसके लिए हम लोग बताया गया है कि यहाँ पर दिख रहा है दीवार पर जो भी बच्चे आज जितना भी कर रहे काम वो लोग वो सभी तो दीवार पे दिखने वाला है। कितना होशियार है अपने बच्चे, यहाँ के भिवंडी के बच्चे कितना आगे बढ़ रहे हैं। यानी लोग बोलते हैं भिवंडी के बच्चे भाई इतने पढ़ाई नहीं करता है, अभी इधर कंपाउंड में दिखाई देगा आपको इतने भैया यानी एक्टिव है यहाँ के भिवंडी के बच्चे। और हमारे पीएम, हमारा विकास स्कूल यानी हमारे बड़े सभी स्कूल के कार्यक्रम में ये लोग शामिल हुए हैं। ये सभी के हम लोग उनको धन्यवाद करता हूँ, यहाँ के सभी स्कूलों को। में पहली बार इंटर स्कूल कंपटीशन तेलुगु समाज शिक्षण संस्था के तरफ से हो रहा है। इंटर स्कूल कंपटीशन में आज जो आप देख रहे हैं पूरा वॉल पेंटिंग का प्रोग्राम आज भव्य दिव्य से हो रहा है। आज हमारे वॉल पेंटिंग के प्रोग्राम में टोटल 95 पार्टिसिपेंट है और 16 स्कूल में से 95 पार्टिसिपेंट टोटल आज आए हुए हैं। और रंगोली कॉम्पिटिशन में 127 पार्टिसिपेंट है जो 16 स्कूल से आए हुए हैं। पहली बार इस तरह का योजना तेलुगु समाज शिक्षण संस्था भिवंडी में किया है। 50 साल पूरा होने के बाद हम जो गोल्डन जुबली ईयर मना रहे हैं, तेलुगु समाज शिक्षण संस्था की ओर से अनेक प्रकार के कार्यक्रम है। मैं कार्यक्रमों का नाम नहीं बताऊंगा लेकिन 50 कार्यक्रम हम कर रहे हैं। 50 में से कुछ इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन है, जैसे कि आज वॉल पेंटिंग है और साथ में रंगोली कॉम्पिटिशन है, उसके साथ कल जो है क्विज की कॉम्पिटिशन है वो भी इंटर स्कूल की है। सभी स्कूल यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले 40 से ज़्यादा विद्यार्थी कल क्विज कॉम्पिटिशन में आ रहे और हमारे कम से कम 90 से 100 विद्यार्थी हमारे परसों के एलोकेशन कंपटीशन मतलब स्विच का कंपटीशन में परसों आ रहे। इस तरह का 3 दिन का सतत इंटर स्कूल कंपटीशन का ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं। इसके साथ में स्कूल लेवल पे भी बहुत से कार्यक्रम है, सब मिलाकर 50 कार्यक्रम, 50 साल पूरा हुआ इस संस्था को, तो 50 साल में 50 कार्यक्रम करना चाहिए इस तरह मैनेजमेंट का योजना था, तो वही हिसाब से हम ये आज का कार्यक्रम एक भव्य दिव्य रूप से हम कर रहे हैं। लोगों ने इस साल में बहुत से कार्यक्रम करने का एक निश्चय किया है, उसी कार्यक्रम में से ये ड्राइंग और वॉल पेंटिंग का कंपटीशन, इंटर स्कूल कंपटीशन तो हर साल होता ही है मगर इस बार हमने स्पेशल ये है कि इंटर स्कूल सभी स्कूलों को बुला के इनविटेशन दे के भिवंडी में जितने भी बड़े बड़े स्कूल है सभी समाज के सभी स्कूल को इनविटेशन दे के वो लोगों ने अच्छी तरह हमको रिस्पॉन्स दे के वॉल पेंटिंग करने का एक निश्चय किया। और आज करीब करीब 12 से 15 स्कूल इन वॉल पेंटिंग के कार्यक्रम के करने के लिए और रंगोली कार्यक्रम के लिए 12 स्कूल ने पार्टिसिपेट लिया। अभी इसके अंदर बड़ा
ग्रैंड एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग तेलुगु समाज शिक्षण संस्था ऐसा भी वॉल पेंटिंग होना चाहिए और इसका एक बच्चों को भी एक प्रैक्टिस करने का उनको एक उत्साह बढ़ाने का कार्यक्रम होने वाला है। समाज का जो एक 1971 में एक छोटे से 10-20 बच्चों से शुरू किया हुआ स्कूल आज हमारे संस्था के माध्यम से जो 5 स्कूल चल रहे हैं उसमें लगभग 2000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और हमारा लक्ष्य यही है आगे चल के ये 50वां वर्ष पूर्ण हो रहा है हमारा। इस 50वें वर्ष में हमने विविध कार्यक्रम करके लोगों को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हमने जो शिक्षा प्रति जो हमारे संस्था का लगाव है उसको आगे बढ़ाते हुए और यहाँ के गोर गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित न रहे इसके लिए हमने जूनियर कॉलेज चालू किया। अगले वर्ष से हम सीनियर कॉलेज डिग्री कॉलेज यहाँ स्थापन करने का कृत संकल्प किया हुआ है। तेलुगु समाज शिक्षण संस्था के 50वां बरस के उपलक्ष में ये जो स्वर्ण महोत्सव हो रहा है ये वॉल पेंटिंग यानी भित्ति चित्र जो है वो चालू है। 50 वर्ष के उपलक्ष में जब एकेडमिक ईयर चालू हुआ था तब से हम लोगों का कार्यक्रम चालू है। तेलुगु समाज शिक्षण संस्था की तरफ से 5 स्कूल चल रहा है, एक जूनियर कॉलेज चल रहा है, तो सभी अपने स्कूलों का और गांव के स्कूलों का यहाँ पर एक मिलावट जुलावट होना चाहिए। ऐसा करके हम लोग सभी B1D के सभी स्कूलों को हम लोग हमारे कार्यक्रम में हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं, हम लोग हमारे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। मैं अभी जो आए हैं जो शिक्षक हर स्कूल से आए हैं मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और उन्होंने हमें जो शुभेच्छा दिया है मैं उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। मैं तेलुगु समाज शिक्षण संस्था का गोल्डन जुबली ईयर सुवर्ण महोत्सव चल रहा है और इसके तहत हमने अलग अलग इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन रखे और इस इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में भिवंडी के मैक्सिमम स्कूल ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। हमारा उद्देश्य यही है कि बच्चों को ड्राइंग की कला उनकी मतलब सब पढ़ाई करते लेकिन पढ़ाई करते करते भी उनके अंदर बहुत सारे ऐसे छुपे हुए अच्छे गुण रहते हैं। यहाँ पे अगर वो वॉल पेंटिंग करेंगे वॉल पेंटिंग करते वक्त उनको उनका स्किल पता चलेगा और उनके स्किल पता चलने के बाद उसका डेवलपमेंट होगा और आगे जाके वो आर्ट में कुछ तो करियर कर सकते हैं। 10th के बाद मैक्सिमम सब इंजीनियर एंड डॉक्टर फील्ड इसी फील्ड में जाते हैं लेकिन आर्ट फील्ड में बहुत कम लोग जाते हैं तो आर्ट फील्ड में भी जाना चाहिए। उनके बच्चों को उनका उद्देश्य पता होना चाहिए, उनके अंदर जो छुपे हुए गुण है वो बाहर निकलने चाहिए। इसीलिए हमारे तेलुगु समाज शिक्षण संस्था ने ये अलग अलग कॉम्पिटिशन रखे और उस मेरा नाम मिसेस रूपा समीर जाधव है। मैं PM स्कूल की और जूनियर कॉलेज की हेडमिस्ट्रेस हूँ। PM स्कूल में 50 साल पूरा हो गया है उसके वजह से बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किया गया है जैसे कि अभी इंटर स्कूल कंपटीशन भिवंडी के जितने भी स्कूल है उनको इनविटेशन दिया गया है इंटर स्कूल कंपटीशन के लिए। तो आज हमारा 12 दिसंबर वॉल पेंटिंग और रंगोली कंपटीशन था, कल क्विज कंपटीशन है और परसों 14 तारीख को हमारा एलोकेशन कंपटीशन है। तो यहाँ पे जो संस्था ये मौका दे रही है तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। मुझे खुद मैं 3 महीने हुआ है यहाँ पे बैठ के लेकिन वो 3 महीने में मैं इतना कुछ सीख रही हूँ कि संस्था स्टूडेंट के लिए और लोगों को आगे बढ़ने के लिए उनको डेवलप करने के लिए इतना सपोर्ट कर रहा है कि मैं खुद ऐसा लग रहा है कि मैं खुद इनके लिए और कुछ करूँ और हमेशा मीन्स लास्ट रिटायरमेंट तक यही काम करते रहूँ। मुझे 3 महीने में इतना अच्छा लगा कि वो बहुत चीज़ के लिए सपोर्ट कर रहे हैं जैसे कि अभी शंकर मंचरे सर हैं वो स्टूडेंट को खुद स्कूल पे करके उनको कैंप भेज लेके जा रहे हैं हैदराबाद 5 दिन के लिए। चेयरमैन सर है निष्काम भैरव सर गर्ल्स कैंप के लिए खुद पैसा भर के ट्रैवलिंग भर के गर्ल्स को कैंप 7 दिन के लिए आर्य समाज कैंप भेजे थे और स्टूडेंट के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं वो और स्टूडेंट भी यहाँ के बहुत ही अच्छे हैं फाइनेंशियली वीक है इसीलिए स्कूल जो है उनको सपोर्ट कर रहा है। तो आज तक मैंने जहाँ भी काम किया ऐसा कहीं नहीं देखा है लेकिन ये जो तेलुगु शिक्षा संस्था है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं सबको ये देना चाहती हूँ कि कम फीस विदाउट डोनेशन विदाउट एडमिशन फीस यहाँ पर जो संस्था काम कर रहा है वो बहुत ही अच्छा है। मैं बहुत ही खुश हूँ कि ये कहीं भी आज जाओगे तो 20,000 डोनेशन 50,000 डोनेशन ऐसा है लेकिन जो तेलुगु संस्था है वो 1 रुपया भी डोनेशन नहीं लेते हुए स्टूडेंट को फ्री एजुकेशन भी देता है, ऊपर से उनको एजुकेशन के लिए पैसे भी देते हैं कि हमारे स्टूडेंट जो है हमारे जो नागरिक जो है वो सिर्फ आगे बढ़े। बस उनका ही यही एक इंटेंशन है कि वो आगे बढ़े।
कैसे भी करके हमारे जो इंडिया है, हमारी जो संस्था है, उसको आगे बढ़े। यहाँ पे टीचर्स में देखी कि टीचर्स इतने जुने हैं कि दूसरे स्कूल में नए टीचर 2 साल 4 साल 10 साल, लेकिन ये स्कूल में इतने जुने टीचर्स कैसे है, क्योंकि संस्था वैसा उनके साथ बिहेव करती है, उनके साथ अच्छा रहती है। संस्था एकदम फ्रेंडली है, हर एक चीज़ समझती है और हर एक चीज़ में सपोर्ट करती है, इसीलिए ये स्कूल में इतने जूने टीचर टिके हुए हैं अभी तक। क्योंकि जब मैं स्कूल, मेरा स्कूल टाइम है तब से यहाँ पे टीचर्स है, तो वही मैं शॉक्ड हो गई कि 30 साल पुराने टीचर्स यहाँ पे, मतलब इनका संस्था कितना अच्छा है। तो मैं सच में खुश नसीब हूँ कि मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटर बनी हूँ, और मैं शायद बहुत ही कुछ अच्छा की हूँ अपनी लाइफ में कि मुझे ये चांस मिला है। मैं मैनेजमेंट को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो मुझे ये मौका दिए, ये चांस दिए, यहाँ पे ये सीट दिए। तो बहुत ही